What's up guys, welcome back to another video. तो ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो रहने वाली है। कई को बोलते हो उसका आंसर तुम्हारे पूरी वीडियो एंड तक देखे तो मिल जाएगा। देखो जबरदस्त क्रेजी एक्सपीरियंस था, खतरनाक वीडियो है, एंड तक जरूर देखना गाइस। हाय गाइस, आज मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ अलग करूं। आप लोगों को तो मालूम ही चाहिए गाइस मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूं, मेरे को कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है भाई। मजाक कर रहा हूं गाइस, जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठूं पहले 5 बार सोचता हूं मैं कैसी है वीडियो। कभी-कभी यू नीड हेल्प। सो गाइस, ये है मेरा सेवियर व्हेन इट कम्स टू वीडियो एडिटिंग। सो गाइस, आज इसे पूछते अपन कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यूजुअली 8 मिनट का वीडियो रहता मेरा, 8 से 10 मिनट का, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है रेंडर करने में, क्वालिटी में कितना टाइम लगता है, इसे इसका एक्सपीरियंस जानते हैं। डिपेंड करता है 1080p का वीडियो है कि 4K। अगर 4K का वीडियो तो बहुत टाइम लग सकता है। हमेशा इन्हें इतना टाइम लगा था स्टार्ट होने में, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल ये देखा, इसलिए बोलता हूँ एडिटर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है पेशेंस, जो गाइज मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है पेशेंस। आप ही बताओ गाइज, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं किस पे ध्यान दूं, क्रिएटिविटी पे ध्यान दूं या इस कछुए की चाल वाले सिस्टम पे। क्रिएटिविटी की गाइज धजिया उड़ जाती है सच में। वेलकम टू माय लाइफ। तू फिक्र मत कर, तेरे लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास। क्या भाई, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं खुल गए? देखा, किंगस्टोन वर्क्स लाइक मैजिक। अभी एक बार अडोब प्रीमियर प्रो ट्राई करके देखते हैं। यार, आफ्टर इंस्टॉलिंग द SSD देख कितना स्मूथ चल रहा है। अब मैं इसको एक बार मैक्सिमम क्वालिटी में रेंडर करके देखता हूँ। As you can see guys, Kingston का KC3000 latest Gen 4X4 NVMe controller से आप data बहुत easily transfer कर सकते हैं। और guys, अगर मेरे को 3D files render करना है तो बहुत easily और बहुत fast हो जाता। First of all, इसकी size देखिए आप, it's very small, जिससे बाकी important components install करने जगह होती है। Plus, इसमें थिन एल्यूमिनियम हीट स्प्रेडर है जिससे सिस्टम एकदम कूल रहता है। इससे मेरा पीसी भी 7000 से 7300 MBPS में बूस्ट हो जाएगा, प्लस स्टोरेज भी इंक्रीज होगा बाय 4 TB। अब देख, नया SSD मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तू एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंस देगा। 4K 8K वीडियोस ट्राई करके देख रेंडर कैसे हो रहे। हाँ, ये करते हैं भाई, पूरा स्मूथ चल रहा है। क्या बात, नाइस। द बेस्ट पार्ट गाइस, अगर आप लोगों को मल्टीटास्किंग करने का है आसानी से कर सकते हो, वो भी 0 lag के साथ। आई रिपीट, 0 lag के साथ। मेन तो गाइस मल्टीटास्किंग कर सकूं मैं, पहले मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता था। अभी मेरा पीसी बहुत फास्ट, बहुत क्विक रिस्पांस दे रहा, एप्स मेरे बहुत जल्दी लॉन्च हो रहे। पहले जब मैं वीडियो रेंडर करता था बहुत टाइम लगाता था, 15-20 मिनट एक वीडियो को लगता था रेंडर करने। अभी 2-3 मिनट में एक वीडियो रेंडर हो रहा था, बहुत शॉकिंग है, बहुत खुशी हो रही मेरे को एकदम इतना क्विक रिस्पांस देख के। मजा आता है ऐसा काम करने में। मेरे फाइल्स भी बहुत इजीली, बहुत सुपर फास्ट एक्सपोर्ट हो रहे, काम क्विक होता, इससे काम और तेज होता, मजा आ रहा। मतलब ओवरऑल हो गया, बन गया एक और एक झक्कास वीडियो, ऑल थैंक्स टू किंगस्टन KC3000 Gen 4 SSD। तो आप भी लेके आए गाइस किंगस्टन का KC3000, द बेस्ट Gen 4 SSD फॉर कंटेंट क्रिएटर्स।